मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार गुप्ता इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ एक खास बात करना चाहता हूं। जी हां मित्रों, अभी जल्दी ही दिवाली आने वाली है और दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करने से पहले ही अमीर बनने के लिए, या यूं कहें दुख दरिद्रता परेशानियां रोग शोक को दूर करने के लिए ऐसे क्या उपाय किए जाएं? जी हाँ मित्रों, यही मुझे बताना है। मित्रों सबसे पहले जो सभी को करने हैं, बिना जन्म कुंडली देखे ये जो अब मैं बता रहा हूं ये सभी लोगों को अपनाने हैं। बस थोड़ा सा सामान घर से बाहर निकालना, जैसे बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, बिजली का खराब सामान, विदेशी करेंसी, पुराने डाक टिकट। इस प्रकार का जो भी सामान है, नट बोल्ट, पुरानी कील है, कैसा भी कबाड़, अपने घर से पूरी तरीके से निकाल के बाहर कर दीजिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, राहु देव की बुराइयां कुछ और सामानों में छिपी होती हैं, कुछ स्थान विशेष होते हैं हमारे घर में, जैसे कि सीढ़ियां, सीढ़ियों पर कभी कुछ ना रखें, सीढ़ियों के ऊपर और नीचे पूरी तरह साफ सफाई का विशेष ध्यान, छत के ऊपर कोई भी निर्माण ना करवाए, छत के ऊपर बिल्कुल साफ सफाई रखें। इसके अतिरिक्त टॉयलेट बाथरूम की सफाई का विशेष ध्यान रखें, वहां की पाइपलाइन में कोई लीकेज ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो, सीवर लाइन में कोई ब्लॉकेज ना हो, कोई लीकेज ना हो। साथ ही मित्रों, बाथरूम के अंदर खुशबू का वातावरण बनाए तो राहु देव को बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। और उपाय के तौर पे राहु देव किस घर में है उस घर के अनुसार राहु देव का विसर्जन किया जा सकता है और राहु देव की बुराइयों से बचा जा सकता है। इसी प्रकार मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बुरे हैं, शनिदेव अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, शनिदेव अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, उस समय विशेष पर शराब और मांस से हमेशा बचाव करें, झूठ ना बोलें, चाचा के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें, किसी के साथ बेईमानी ना करें, सत्य बोलें, परस्त्री गमन ना करें और शनिदेव को उपाय के तौर पर विसर्जन किया जाता है। साथ ही शनि से संबंधित सामान दान पुण्य करके भी शनि की बुराइयों को कम किया जा सकता है, जैसे कि लोहे का सामान जैसे तवा, चिमटा, अंगीठी आदि, काले चने, उड़द साबुत, सरसों का तेल, पत्थर वाले कोयले दान करें, मंदिर में दें तो शनि देव की बुराइयों से काफी हद तक बचाव संभव है। इसी प्रकार मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव बुराई पर हैं, यानी मंगल बद हैं, तो मंगल देव से संबंधित सामान घर से दूर करें। सौंफ, शहद, छुआरे बड़ी मात्रा में स्टॉक ना करें, जरूरत के अनुसार थोड़ा सा लाएं, यूज हो जाए बस, किलो, दो किलो, पांच किलो की मात्रा में स्टॉकेज नहीं करना है। इसके अलावा उपाय के तौर पर मंगल देव को सुधारने के लिए साउथ फेसिंग, जी हां, दक्षिण मुखी मकान में ना रहें, गली के लास्ट कॉर्नर पर आखिरी मकान में ना रहें। आपका घर रोड लेवल, गली लेवल से टाउन में ना हो, मतलब कि बेसमेंट में ना रहें। शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी धारण करें। हर मंगलवार को भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मीठे भोजन की पार्टी करें, खुद भी खाएं, उन्हें भी खिलाएं। इस प्रकार से मंगल देव की बुराइयों से बहुत हद तक बचाव संभव है। इसी प्रकार मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव खराबी पर हैं, बुधदेव की खराबियां बता देता हूं, बुआ बहन बेटी के सुखों में दिक्कतें, या आपके उनसे संबंध खराब, या वो अपने ससुराल में दुखी, वो अपने पति से दुखी, व्यापार में रोज नित नई रुकावटें आना,
शरीर की नसों नाड़ियों से संबंधित प्रॉब्लम, ये सब बुधदेव के अंडर में है। दिमाग में भ्रांतियां हो जाना, ऐसे समय में बुधदेव के लिए सावधानियां अपनाएं। शंख, सीप, कौड़ी, सितार, गिटार, ढोलक, मतलब गाने बजाने के सारे सामान घर से बाहर करें। घर में मूर्तियां या किसी भी प्रकार के स्टैचू ना रखें। तुलसी, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, चौड़े पत्ते के पेड़ घर से बाहर करें, हरे रंग से दूर रहें। तो बुध देव के छोटी सी ये आसान सी सावधानी अपना के काफी हद तक बचाव संभव है। साथ ही उपाय के तौर पर मूंग साबुत फिटकरी के पानी में सिरहाने रखकर सुबह पक्षियों को डालें। बुध देव से संबंधित सामान, हरे कपड़े, पेन पेंसिल, स्टेशनरी आदि दान पुण्य करते रहें। अब खास बात जो कि दिवाली से संबंधित है उस पे आ रहा हूं। मित्रों, हम दिवाली पर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और नवग्रहों में शुक्रदेव को माता लक्ष्मी माना जाता है। जी हाँ मित्रों, शुक्रदेव माता लक्ष्मी का ही रूप है जो कि ग्रह के रूप में। अब आप समझ गए होंगे, रुपया पैसा धन धान्य समृद्धि। जी हाँ मित्रों, रुपया पैसा धन धान्य और समृद्धि जो लक्ष्मी जी से आती है, मतलब कि शुक्रदेव की कृपा से आती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव अच्छे हालात में होंगे, अपने दुश्मन ग्रहों से बच के साफ सुथरे अच्छे घर में बैठे होंगे, तो आपके पास इन चीजों की कमी नहीं होगी। साथ ही मित्रों, जीवन साथी के सुख, बिस्तर के सुख, बनने संवरने के सुख, अगर दूसरे शब्दों में कहूं लग्जीरियस लाइफ, शुक्रदेव के अच्छे फल। शुक्रदेव अच्छे ना हो तो लग्जीरियस लाइफ नहीं मिल सकती मित्रों। अब शुक्रदेव खराब कैसे होते हैं? अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच को, जैसे कि छठा, आठवां घर, नौवां घर, इसके अतिरिक्त मित्रों शुक्रदेव को खराब करने वाले दो ग्रह खास हैं, सूर्यदेव, राहुदेव। सूर्यदेव और राहुदेव शुक्रदेव के घर साथ में जब भी आ जाते हैं तो शुक्रदेव को दोष लगा देते हैं। इनसे बचाव करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के कारण शुक्रदेव खराब हो रहे हैं तो काली गायों की सेवा करें। सूर्यदेव का सामान जो कि गुड़, गेहूं, तांबा घर पर कभी ना रखें। लाल कपड़ों से बचाव करें। जी हाँ मित्रों, ये सूर्यदेव का रंग और सूर्यदेव का सामान है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर राहु देव के कारण से शुक्रदेव खराब हो रहे हो, अगर राहु देव शुक्रदेव के पक्के घर साथ में बैठ जाएं, या राहु देव शुक्रदेव के ऊपर दृष्टि डालें, या राहु शुक्रदेव के साथ एक ही घर में बैठ जाए, तब भी शुक्रदेव को खराब करते हैं। और इन हालातों में लग्जीरियस लाइफ तो छोड़ दीजिए मित्रों, शरीर के पूरे सुख नहीं मिलते, जीवन साथी के सुख नहीं मिलते, रुपया पैसा, घर गृहस्थी, उम्र बढ़ने के साथ साथ चौपट होती चली जाती है। जीवन साथी एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, अपने सुख बाहर ढूंढते हैं, मतलब कि करेक्टर तक खराब हो जाते हैं। ऐसे समय विशेष पे शुक्रदेव के उपाय के तौर पर माता लक्ष्मी का पूजन सिर्फ दिवाली पर नहीं करना, हमेशा करना है। साथ ही दही की मालिश करके ना, हमेशा गायों को हरा चारा डालते रहें अपने जीवन साथी के वजन के बराबर। संभव हो तो देसी गाय का किसी कर्म कांडी ब्राह्मण को दान करें। अब खास सावधानियां शुक्रदेव को सुधारने के लिए मित्रों, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ें, जल्दी नहाएं धोएं, प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े डालें, प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े डालें, डियो, परफ्यूम, सेंट, इत्र का इस्तेमाल करें, दही का दान करें, मंदिर में गाय के घी की जोत जलाएं, मंदिरों में गाय के घी का दान करते रहें। तो इस प्रकार से मित्रों शुक्रदेव के फलों को सुधारा जा सकता है। अब मैं खास बात पे आता हूं मित्रों, यह वीडियो
इस समय बताई है मैंने और दिवाली नजदीक है, लेकिन इस वीडियो में खासकर गौर से करने वाली बात है, ये सारे उपाय और ये सावधानियां सिर्फ दिवाली पर ही नहीं करनी है मित्रों, 12 महीने इन चीजों का ध्यान रखना है, जो कि हमें आसानी से बचाव होता रहे। बुरे घरों का रिजल्ट बुरा, जी हाँ, बुरे घरों का बुरा रिजल्ट हमें ना मिले, हमारे नीच के घरों का इलाज होता रहे उपाय के तौर पे, सावधानी के तौर पे, तो हम एक सुखपूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। जी हाँ मित्रों, आज के समय में लाल किताब के उपाय और सावधानियां, जो कि बहुत आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है बिना किसी की सहायता के द्वारा, तो हम क्यों ना इन उपायों को और इन सावधानियों को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। मित्रों, अब एक मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, ये YouTube चैनल मैंने अभी कुछ समय पहले ही बनाया है, आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हैं। साथ ही आज ही अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे विद्वान लाल किताब ज्योतिषी को दिखाएं। अगर मुझे दिखाना चाहते हैं, जी हाँ मित्रों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं गुड़गांव में हूं, इसलिए अगर आपका आना संभव नहीं है तो मुझे संपर्क करें, मैं ऑनलाइन सेवा भी देता हूं। जी हाँ मित्रों, अगर आप नजदीक हैं तो मेरे ऑफिस आए, अगर आप दूर हैं तो भी आप मेरी सेवा ऑनलाइन अपने घर बैठे ले सकते हैं। नमस्कार।